देख रहे हैं आप किस तरह से ये बाइक सवार इस होमगार्ड को सड़क पर घसीट रहा है। ये खौफनाक तस्वीरें सोनीपत के महाराणा प्रताप चौक की है। यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर बाइक सवार को रोकना होमगार्ड को इतना महंगा पड़ जाएगा उसने कभी सोचा ना था। लगभग 500 मीटर तक होमगार्ड को घसीटने के बाद बाइक सवार ने उसे बीच सड़क पर छोड़ दिया। गनीमत ये रही कि पीछे से कोई साधन नहीं आ रहा था। लेकिन ये तस्वीरें ये साफ दर्शा रही हैं कि आम जनता में पुलिस का खौफ कम होता जा रहा है। जनता भूल रही है कि पुलिस उन्हीं की सुरक्षा के लिए है। घायल होमगार्ड ने भी सरकार से गुहार लगाई है, आप ही सुन लीजिए। कर रहे हैं कोई कसर निरन थी हमारी तरफ से अग भाई को ये चीज कह देख भाई हरियाणा होमगार्ड के जवान वे पब्लिक के साथ व्यवहार में अग भाई किसी और चीज में को गलती कर दी। वो तो भगवान का लाख शुक्र है कि भाई मैं मेरे के बरा किसी अच्छे कर्म थे कि मैं कल बच गया। अगर कल नंबर कुछ हो जाता कि मेरे माँ बाप का हुआ है हमारा जो हरियाणा होमगार्ड का जो भी भाग है वो ऐसा है कि जो मान लिया मर भी जाने एक 1100 रुपये कफन के दे है। ईसा भी कुछ नया कि भाई हम कल ने भाई हमारे माँ बाप हमारा कुछ हो जाए है तो कल हमारे माँ बाप आराम से रोटी खा ले। मैं हाल के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर थे और गृह मंत्री अनिल विज साहब थे एक चीज करना चाहूंगा अगर हमारे बारे में कुछ सोचा जाओ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।